हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो कई दिन से बाहर का चल रहा था तो अभी घर में सब्जियां ले आती हूँ। और देखो, सर्दी में ना आम देखकर मुझे बड़ी हंसी सी आई कि हर मौसम में अब तो हर एक सब्जी या फल देख सकते हैं। तो कच्चे आम रखे हुए थे इनके पास में, इनको देख के मैंने कहा अरे वाह, आम भी रखे हैं, तो मैं आप लोगों को भी दिखाने लग यहाँ गई। सुबह सुबह एकदम बढ़िया मिल जाती हैं, भीड़ भी नहीं रहती, तो सारी सब्जियाँ लाई हूँ। क्योंकि बाहर घूम रहे थे तो घर में कुछ सब्जियाँ जैसे हरी मिर्ची, धनिया, ये सब का ख़त्म ही था, तो ये सब लाना बहुत ज़रूरी था। और आपको पता है, अरे गिर गई मोड़ी, आपको पता है हरी मिर्ची के बिना तो खाना नहीं बन सकता हमारे यहाँ, क्योंकि हरी मिर्ची डालते हैं, लाल मिर्च हम लोग खाते नहीं। ये सारी सब्जियाँ भी मैं लेकर आई हूँ। सब्जियाँ लाई थी मैं, गाजर भी ले आई, क्योंकि हम बाहर घूमने पे थे तो जिस दिन गए थे उस दिन का दूध भी बचा हुआ है। और एक दिन तो खैर आया ही नहीं, जो मम्मी के यहाँ थे, बुआ के यहाँ थे बच्चों की, यानी मेरी नन के यहाँ, तो मैं सोची बच्चों के लिए गाजर का हलवा बन जाएगा। यहाँ पे सब्जियाँ रखी हैं, कुछ इधर भी रखी हैं, दूध का पैकेट रखना है, उसको बॉयल करना है। और ये एक दिन पुराना दूध है जो कि आया हुआ मैं फ्रिज में ऐसे ही रख गई थी, जिसको बॉयल नहीं करके रख गई थी, उसको अभी बॉयल करूँगी। तो बस घर पे आने के बाद काम बहुत सारा हो जाता है, चाहे आप एक दिन के लिए जाओ या दो दिन के लिए जाओ, काम फैल जाता है ना। कपड़े वॉश करना, क्योंकि कपड़े सर्दी में जहाँ भी रख के ले जाओ उनको वैसे ही ले आओ तो बेहतर है, सूखने तो है फिर भी नहीं, फिर क्यों मुसीबत बढ़ानी है ना। मेरे छोटे छोटे आलू पड़े हुए थे तो मैंने सारे बॉईल कर दिए। मैं सोची छोटे आलू का पराठा बना लूँगी, कुछ क्या है जो सारे यूज़ हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इनको खोल के रखते हैं जिससे कि ठंडे हो जाएं। बन रहे हैं आलू के गर्मा गर्म पराठे, और ये सक्षम का पराठा है क्योंकि इसको वेजिटेबल नहीं खानी होती। यहाँ पर अलग से एक पिट्ठी बनाई हुई है, फ्रेश मलाई का निकाला है मक्खन, तो आज मक्खन के साथ में, घर के मक्खन के साथ में पराठा खाएंगे और आलू का पराठा। मॉर्निंग में सब्जियां लाई थी तो मैंने गाजर कस के इसको चढ़ा दिया हलवा बनने के लिए। और ये वाली गाजर ना आज की पिंकिंग नहीं थी, रेड रेड सी थी, जैसे कि थोड़ा डार्क कलर की, मरून मरून से चुकंदर का कलर होता है ना कुछ ऐसे, तो उसको पिंक पिंक इतना ज़्यादा हलवा नहीं लगा, जैसे बिल्कुल पिंक सा हुआ रहता है। चलो कोई नहीं, आजकल गाजर का कलर ऐसा ही आ रहा होगा। और इधर मैंने राजमा कुक किया है, आज लंच में बना है राजमा। राजमा कलर देखो कितना नीमी आ रहा है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी और थोड़ा राइस बनाऊंगी और थोड़ी सी बनेगी मक्की की रोटी। मैं कपड़े वॉश करके छत पर डाल के आई हूँ, वैसे तो आज भी नहीं है, देखो एक बज चुका है और मौसम वैसा का वैसा ही है जैसे सुबह हो रही हो। धूप का नामो निशान नहीं है। और वैसे कपड़े वॉश हो जाते हैं तो सूख ही जाते हैं ना, कुछ हवा चल रही होती है तो उससे सूख जाते हैं, फिर थोड़ा प्रेस कर दो, कुछ हीटर के सामने डाल दो तो सूख ही जाते हैं। हाँ, राजू बनाया ये कपड़े रोज वॉश हो जाए ना तो मुझे आसान लगता है। श्रीरा मैडम भी हल्ला चला रही, गिरा देना। चलो तुम ना लर्न कर लो बैठ के, जो मैं लर्न करने के लिए होगा फोन में ही। मम्मी नहीं, क्या फोन में ही है? फोन में लिखो, कॉपी में क्यों लिख रखा? फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। और आज बहुत दिनों के बाद धूप आई है तो मैंने अपने हेयर वॉश किए, ना के मैं भी आई हूँ। और मैं सोची धूप है तो बाहर वॉक करके आती हूँ, हल्का सा ना बालों को ड्रायर से सुखा लेती हूँ, क्योंकि धूप तो है लेकिन धूप के साथ हवा भी है और वो हवा ना सर में लगती है और बीमार कर देती है। और अभी मैंने ब्लॉग को पब्लिक किया है, ब्लॉग को मैंने अभी पब्लिक किया, और इस वाले ब्लॉग पर मेरा कॉपीराइट क्लेम आ गया, क्योंकि ये वाला वो ब्लॉग था जो मैं नन के घर जा रही थी अपनी बड़ी दीदी के यहाँ पे, और रास्ते में म्यूज़िक चल रहा था गाड़ी में। मैं हस्बैंड को बार बार मना करती हूँ बंद कर लो, कभी कभी वो कर लेते हैं कभी नहीं करते यार, कॉपीराइट क्लेम आ गया। चलो कोई नहीं, अभी आगे से ध्यान रखेंगे। तो हल्की हल्की कॉम कर लेती हूँ, हल्का सा ड्रायर लगाती हूँ, मैं जाती हूँ वॉक पे, क्योंकि यार वॉक भी ज़रूरी है। वैसे मैं वॉक कर रही हूँ लेकिन यह है कि ठंड में ना फिर बहुत ज़्यादा चलने का मन नहीं करता, फिर मन करता है अंदर आ जाओ। और कल से ना जिसको कहते हैं ना शीतलहर, वो चल रही है बिल्कुल। और आज मॉर्निंग में, वैसे मॉर्निंग नहीं हो रही यार, एक बज रहा है, क्योंकि मैंने सारे कपड़े वॉश करके धूप में डाले, क्योंकि धूप का बहुत दिन बाद आई है ना, तो उसमें मुझे काफ़ी देर हो गई। ऊपर से मेरे बच्चों के ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप लोगों को पता है, तो उसकी वजह से मुझे आज कल बहुत लेट हो रहा है, और मैंने सोचा हेयर वॉश भी कर लेती हूँ। लाइट चली गई और पता नहीं इन्वर्टर में क्या हुआ, ये बार-बार की आवाज़ कर रहा है, बंद हो रहा है, एक भी लाइट नहीं चला रहा, इसमें मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो बंद कर देती हूँ। हस्बैंड आएंगे तो वो देखेंगे, वो अपने काम पे गए हुए हैं। और मैं सोच रही हूँ वॉक करने से जाने से पहले एक बार कपड़ों को ना अल्टा पल्टी कर देती हूँ, उससे क्या है, देखो बंद नहीं हुआ, आवाज़ कर रहे हैं।
बन गए। इसमें पता नहीं क्या हुआ, इसके चार्जिंग रुक गई क्या, कुछ तार हिल गया कि क्या हुआ। तो ऊपर मैं कपड़े डालकर गई थी, उनको मैं पलटा पलटी दे देती हूँ। हेयर वॉश करके अच्छे लगते हैं ना सभी ने, और दो दिन में ही बाल अजीब से हो जाते हैं और वॉश जल्दी जल्दी होते नहीं, तो भी हेयर वॉश किए। और हेयर वॉश करके आपको खुद को भी अच्छा फ्रेश फ्रेश सा लगता है। तो मुझे सब जगह कपड़े पड़े हैं। निकली है बहुत दिन बाद कड़क वाली धूप बिल्कुल, और बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट गली में। दूर से ऐसे बीच में खड़ा होकर चक्षम बैटिंग करते हुए, करण बॉलिंग करते हुए, धूप में बैठ के अपने लिए फ्रेश बनाती हूँ, पीती हूँ। लाइट आ गई है ना, तो ये गर्म वाली कैटल है, इसका बड़ा फायदा होता है। ऐसी एक कैटल मम्मी नन के लिए भी ले गई थी, आप लोगों को दिखाई थी मैंने, है ना। तो वो जो गिफ्ट ले जा रही थी वो अपनी नन के यहाँ ले जा रही थी, है ना। कितने दिन बाद तो मैं गई थी, कुछ कुछ ले जाओ ना तो अच्छा लगता है। भगवान करे कि मैं खूब उनको दिया करूँ, मुझे अच्छा लगता है। कहते हैं कि जो घर की लड़कियाँ होती हैं उनको देने से घर में बरकत होती है ना। वैसे मेरा हाथ काफ़ी खुला है, लेकिन कभी कभी ना लाइफ खुद ही ऐसे इसको आ जाती है, तो बहुत सारी सोच के करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा है कि टाइम हमेशा एक सा नहीं रहता, अपनी नीयत अच्छी रखनी चाहिए देने वाली। तो मैं ये वाला काफ़ी सारा पानी, अब यार क्या कर लूँ, पानी इसमें गर्म कर लिया, फिर से ले रही हूँ आपसे बात करते करते। ब्लॉगिंग करते करते कभी करते हैं कुछ और, हो जाता है कुछ और, कभी बना ली, बना रही हूँ अपने लिए अप्रेश। जा रही हूँ, उस दिन मैं लक्षिता गई थी ना, तो वहाँ पे उनके टेलर नहीं थे। उस दिन मंडे था, मंडे ऑफ रहता है, लेकिन वो खुला हुआ था। तो अभी जो मैं लोअर लाई थी, जो आपको दिखा रहे थे पैंट्स, तो उनकी लेंथ थोड़ी सी मेरे को कम करवानी है। शूज़ पहना फिर बहुत नीचे नीचे भी ठीक नहीं था, और आजकल बहुत लंबे वाले नहीं चल रहे, थोड़े से एंकल ही चल रहे। तो मैंने सोचा थोड़ी सी इसकी कटिंग करा दी। उन्होंने कहा था आप किसी भी दिन दे जाना, और बोल रहे थे कभी भी आप कराओ, लाइफ टाइम इसका फ्री रहता है। इसी की ब्रांड के जो फिटिंग विटिंग करानी है या कुछ कराना, गाड़ी के अंदर रखी अभी देखो। तो मैं अभी इसको देने जा रही हूँ, और ये लंबे हैं, इस वजह से मैंने अब तक इसको पहना भी नहीं, क्योंकि दूसरा जो है मेरा बिल्कुल वो वॉर्म है, तो वो इसी मौसम में काम आएगा, और वो पहना भी नहीं जा रहा। तो मैं सोचूंगी जाती हूँ, और आते आते मुझे काफ़ी लेट हो गया। श्रीजा ट्यूशन से आई, फिर मैंने सोचा मेरी हाउस हेल्प पर भी आ जाती हूँ, उसके बाद ही जाती हूँ। इस चक्कर में मुझे लगभग 6:45 बज गए, तो बस मुझे देना है और इसको आना है, और लेने के लिए फिर मुझे किसी और दिन जाना होगा। तो कोई छोटा मोटा काम तब चल रहा है ना, और वेदर दिखाती हूँ आपको इवनिंग का। मैं धूप थी तो कपड़े भी सारे सूख गए, और दिन में धूप थी ना, तो 6:45 ऐसा वेदर हो रहा है, नहीं तो 6:45 तो बहुत ज़्यादा धूप सही हो जाता है। हल्की हल्की धुंध आ गई है, लेकिन ठीक है आज वेदर बाहर, अभी तक भी हम वॉक कर रहे थे बाहर, अच्छा वेदर है। मेरा फेवरेट जूस, तो आते हैं। मैं श्रीजा दक्षिण के लिए लाई थी गोलगप्पे। फ्रेंड्स मॉर्निंग का टाइम है, और बाहर का वेदर दिखाती हूँ कैसा हो रहा है। धुंध तो नहीं है, लेकिन जो सुनने वाली हवा है ना ठंडी एकदम, वो चल रही है, उसकी वजह से हाथों पैरों में बड़ी ठिठुरन सी हो रही है। सच बात ये है कि आज सक्षम का ऑनलाइन जो एग्जाम है वो लास्ट एग्जाम है, श्रीजा का लास्ट है ना सक्षम, तो आज इसका लास्ट हो जाएगा। और मैं हूँ किचन में, गोभी कट करके और इसको गर्म पानी में थोड़ा सा गर्म करने के लिए रखा है। मैं सोची गोभी का पराठा बना लेती हूँ आज, है ना। तो जैसे हस्बैंड फार्म वगैरह पे जाते हैं ना, वहाँ गोभी वगैरह लगी होती है, तो फार्मर्स दे देते हैं कभी कभी, तो फिर ज़्यादा दिन की रखी हुई ठीक नहीं रहती। तो ये गर्म हो गया है पानी, काफ़ी तेज़ गैस को करती हूँ मैं बंद, और थोड़ी देर इसको ऐसे ही डिप करके रखूँगी, जिससे कि थोड़ी सी साफ़ हो जाएगी यूज़ करने लायक। गोभी मुझे लगता है अधिकतर सब लोग ऐसे यूज़ करते होंगे, मैं तो बहुत टाइम से ऐसे यूज़ करती हूँ। बर्तन थोड़ा छोटा ले लिया मैंने, इसको ऐसे डिप कर देते हैं, ठीक है।
का टाइम है तो मैं घर को समेटने लग रही थी, जो रात बिखरी हुई चीजें रहती है, घर को मैनेज करना, क्लीनिंग होनी है, क्योंकि अभी मैंने मशीन श्रीजा और सक्षम की जैकेट वॉश होगी आज फुल स्लिप्स वाली, क्योंकि धूप तो नहीं है लेकिन जो हवा चल रही है धूप में भी आ जाए, कल आ गई थी अच्छी खासी धूप, उससे कल के कपड़े सूख गए थे, कल के नहीं परसों के सूख गए थे एक दिन पहले वाले, तो मैं सोचती हूँ जैकेट वॉश होएगी तो धूप आ सकती है और हवा चल रही है तो हवा में तो काफ़ी हद तक सूख ही जाते हैं, तो इनकी मशीन में मैंने लगा दी है वॉशिंग पे। होने से पहले मैंने ये सब कपड़े आयरन किए थे और इनको सुखाया था, क्योंकि इतना सर्दी में कपड़ों में नमी बहुत रहती है, चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं क्योंकि कपड़ों का ढेर ऊपर खूब सारा रखा हुआ है, वो मैं जाऊँगी थोड़ा सा टाइम मुझे जब मिलेगा और उसको थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करूँगी। तो इस तरह से मेरी मॉर्निंग की स्टार्ट हो चुकी है। श्रीजा अभी लेटी हुई, उठी नहीं, सक्षम उठ गया है, पापा भी उठ गए हैं। आप वॉक पे गए थे क्या? वॉक करके आए थे? आज ही राउंड लगाए। एक तो हवा बहुत ठंडी चल रही है, जब धूप का टाइम है ना दोपहर का इस टाइम से तभी घूमना ठीक है। और ब्लॉग में थोड़ी देर बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ कि सक्षम मिस्टर को चाहिए फोन गेम खेलने के लिए है या वीडियो देखनी है। और ये है आज का नाश्ता, गोभी का पराठा और मूली के पत्तों की भुजी, टेस्टी टेस्टी, सर्दियों में गर्मा गर्म नाश्ता, आप लोग भी कर लीजिएगा।